Hello students, in this video I am going to teach you exercise 13A ka question number hai 7, 8, 9 and 10. Okay, ek question number 7, 8, 9, 10 aapke textbook ke page number 175 par hai. Okay, to start karte hai question number 7. Ab karte hai question number 7. A square garden has to be paved with bricks all around. Find the perimeter of this ground. If the length of any one side is 6.2 meter. इसमें क्या है? A square garden, okay? तो square कैसा होगा? Okay, square की four side equal हो जाएगी, okay? A square garden has to be paved. Paved यानी बिल्ड करना, ओके. उसके अराउंड ब्रिक्स की वॉल बिल्ड करनी है, ओके. ऑल अराउंड तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द पेरिमीटर ऑफ दिस ग्राउंड, ओके. ये जो ग्राउंड है, ओके, स्क्वायर ग्राउंड, उसकी पेरिमीटर फाइंड करनी है, ओके. ये हो जाएगी इसकी पेरिमीटर, ओके. यहाँ ए बी सी एंड डी हमें क्या दिया? यहाँ पर देखो, द लेंथ ऑफ एनी वन साइड इज 6.2 मीटर. तो यहां पर जो साइड की लेंथ है ये हो जाएगी 6.2 मीटर, ओके. जो स्क्वायर है उसकी जो फोर साइड है वो इक्वल हो जाएगी, तो ये सारी साइड हो जाएगी 6.2 मीटर, 6.2 मीटर एंड 6.2 मीटर. हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर, ओके. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का? 4 मल्टीप्लाई विथ वन साइड ऑफ स्क्वायर, ओके. ये इसका हो गया फॉर्मूला, ओके. हमें यहां पर फाइंड करनी है स्क्वायर ग्राउंड की पेरीमीटर फाइंड करनी है, ओके. ये ग्राउंड है तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई विथ वन साइड ऑफ स्क्वायर. तो स्क्वायर की वन साइड की कितनी है? 6.2 मीटर, ओके. तो यहां पर 4 वन साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी 6.2 मीटर. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, कितना हो जाएगा? ये जो मल्टीप्लीकेशन है आपको रफ वर्क में करना होगा. 4 2 8, 4 6 24. तो क्या मिला? 2 4 8 मिला, ओके. यहाँ पर जो वन डिजिट है उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है, ओके. तो यहाँ पर लास्ट डिजिट के बाद यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, ओके. लास्ट वन डिजिट के बाद हो जाएगा पॉइंट. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 24.8 मीटर. ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ग्राउंड, ओके. ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ग्राउंड. आपको लास्ट में ऐसे लिखना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ग्राउंड इज 24.8 मीटर. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ टू इक्वल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर. तो यहां पर जो फिगर में दिया है टू इक्वल ट्राइंगल, ओके. ये है शेप ऑफ अ पार्क, ओके. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट द पेरीमीटर, ओके. एक बार फिर से रिपीट करता हूं. अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ टू इक्वल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट द पेरीमीटर. तो हमें क्या फाइंड करना है? इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है, ओके. इस शेप की देखो यहां पर क्या दिया है. यहां पर है टू इक्वल ट्राइंगल है. देखो यहां से डिवाइड कर दे तो ये भी ट्राइंगल हो जाएगा, ओके. और ये जो नीचे है, ओके, ये भी हो जाएगा ट्राइंगल. तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वल ट्राइंगल है इसलिए हम इन दोनों में से किसी एक की पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ओके. फिर उसको डबल कर देंगे, ओके. यानी हमें दोनों की मिल जाएगी बाद में. तो हम यहां पर पहले इसकी फाइंड करेंगे पेरीमीटर. क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड. तो यहां पर करेंगे, देखो ये साइड कितनी है? 4 मीटर,
तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मीटर प्लस, अब इस साइड को ऐड करेंगे 5 मीटर प्लस, अब इस साइड को ऐड करेंगे कितने है 4 मीटर। तो इस ट्रायंगल की पेरिमीटर हो जाएगी 4 प्लस 5 प्लस 4 मीटर। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 4 13, तो हो जाएगा 13 मीटर। ओके, ये हो जाएगा पेरिमीटर ऑफ वन ट्रायंगल। यहां पर कितने हैं, दो सिमिलर है, ओके, दो इक्वल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा पेरिमीटर क्या हो जाएगी, ओके, यहां पर कितने हैं 4 2 ट्रायंगल्स, कितना हो जाएगा 2 ट्रायंगल है, ओके, 1 ट्रायंगल होता तो 30 मीटर होती पेरिमीटर, यहां पर 2 ट्रायंगल है इसलिए 2 मल्टीप्लाई विथ 13 हो जाएगा 13 मीटर। तो क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 26 मीटर। ओके, ये हो जाएगा इन दोनों ट्रायंगल की कंबाइंड पेरिमीटर। ओके, और इसे हम टोटल पेरिमीटर भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम दूसरी मेथड से करेंगे। ओके, दूसरी मेथड से हम इसको कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले जो फिगर है उसमें जो ट्रायंगल है उसे नेम करेंगे। ओके, ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसे कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी, एंड जो ऊपर ट्रायंगल है उसे कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे डी और इसे कहेंगे ई। जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है वो हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई। ओके, तो इसकी पेरिमीटर हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, दूसरी मेथड क्या होगी। ओके, पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल में क्या था, सम ऑफ ऑल साइड। ओके, तो यहां पर ट्रायंगल नहीं है, देखो पूरी फिगर है। ओके, तो पेरिमीटर ऑफ गिवन फिगर। ओके, आपको कोई भी गिवन फिगर हो उसके को पेरिमीटर फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। ओके, उसकी जो ऑल साइड है उसका सम करेंगे। तो यहां पर सबसे पहली साइड हो जाएगी ए बी। ओके, ऑल साइड है तो यहां से स्टार्ट करेंगे ए बी, फिर हो जाएगी बी सी, उसके बाद है ए साइड हो जाएगी ए सी, फिर प्लस हो जाएगा। ओके, ये तीनों साइड हो गई, अब ये तीनों साइड को हम ऐड करेंगे ए ई, प्लस हो जाएगा ई डी, प्लस हो जाएगा लास्ट में डी एन ए। अब ये तीनों भी साइड हो गई। ओके, इन सभी का एडिशन होगा। ओके, ए बी कितना है, देखो ए बी 4 प्लस बी सी है 5, ए सी कितना है, ए सी है 4 प्लस, देखो ए ई क्या है, ए ई है 4 मीटर। ओके, तो यहां पर हो जाएगा 4 प्लस ई डी कितना है 5, फिर ए डी कितना है, ए डी भी है 4। ओके, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा मीटर। ओके, ये देखो मीटर है, 4 मीटर 5 मीटर एंड 4 मीटर, यहां पर भी मीटर है, तो इनका जो एडिशन होगा वो भी हो जाएगा मीटर। कितना एडिशन होगा, 4 प्लस 5 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस 4, कितना हो जाएगा 17 17 प्लस 5 22 22 प्लस 4, कितना हो जाएगा 26। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, पेरिमीटर ऑफ गिवन फिगर। ओके, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ओके, सम ऑफ ऑल साइड से भी, या फिर इससे पहले जो मेथड की थी उससे भी आप ये कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ पाथ इज टू बी मेड अराउंड अ पार्क। इसमें क्या करना है, एक पाथ को बनाना है अराउंड अ पार्क। ओके, पार्क का शेप कैसा है, हूज शेप इज दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, जिसका शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो यहां पर कैसा दिया है पार्क, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। देखो ये हो जाएगा हमारा पार्क। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा,
इक्विलेटर ट्रायंगल की ये तीनों जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी, ओके, ए साइड और ए साइड जो है ये इक्वल हो जाएगी, ओके, ये क्या है पार्क, ओके। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, इच साइड ऑफ द पार्क इज 35 मीटर, ओके, तो इनके इच साइड है 35 मीटर, ओके, ये भी हो जाएगी 35 और ये भी हो जाएगी 35 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द पाथ इफ इट कॉस्ट ₹17 पर मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो पाथ है, ओके, उसका कितना कॉस्ट होगा पाथ बनाने में, वो हमें फाइंड करना है, ओके। यहाँ पर क्या दिया है, ₹17 पर मीटर, ओके, यहाँ पर दिया है पर मीटर का ₹70 है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले लेंथ ऑफ पाथ फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर कहाँ पर पाथ हमें बनाना है, अराउंड अ पार्क, तो देखो ये पाथ पार्क के अराउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए साइड हो जाएगी, फिर ए बी साइड हो जाएगी और एल ए बी साइड हो जाएगी, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल की, ओके, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विथ लेंथ ऑफ वन साइड, ओके, लेंथ ऑफ वन साइड, ये क्या था, ये था फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, टू फाइंड पेरीमीटर, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है ये। अब देखो यहां पर क्या है, 3 मल्टीप्लाई विथ लेंथ ऑफ वन साइड, इसकी वन साइड कितनी है, 35 मीटर की, तो यहां पर हो जाएगा 35 मीटर। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करो, ओके, तो इनका आंसर हो जाएगा 105 मीटर। ये क्या मिला, ये मिली पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, ये इनकी पेरीमीटर मिली, ओके। हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ पाथ चाहिए, तो देखो जो पेरीमीटर है, ओके, हमें पाथ कहां पर बनाना है, यहां पर बनाना है, ओके, तो इस ट्रायंगल की जो पेरीमीटर होगी वो इनके इक्वल होगी, पाथ के इक्वल, ओके, तो इसे हम लेंथ ऑफ पाथ भी कह सकते हैं, ओके, लेंथ ऑफ पाथ। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट, ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ दिस पाथ। तो देखो यहां पर दिया है कॉस्ट पर मीटर दिया है, ओके, 1 मीटर का, देखो ₹70 पर मीटर दिया है आपको, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹70 हो जाएगा, 1 मीटर का ₹70। तो हमें कितने का फाइंड करना है, 105 मीटर का कॉस्ट फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या करना होगा, 105 मीटर मल्टीप्लाई विथ 70, ओके, इसको हम कहेंगे 105 एंड 70, ओके, यहां पर जो आंसर मिलेगा रुपीस हो जाएगा, ओके, 1 मीटर का ₹70 है, तो हमें 105 मीटर का फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 105 मल्टीप्लाई विथ 70, ओके, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो भी आपको आंसर में यही मिलेगा, ओके। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो तो इनका आंसर क्या मिलेगा, आपको का आंसर मिलेगा 7510, फिर होगा 7535, फिर होगा 7107, ओके, ये हो जाएगा रुपीस। अगर इनका मल्टीप्लीकेशन आप करो, ओके, रफ बुक में आपको करना है, रफ वर्क में इसका मल्टीप्लीकेशन, तो आपको आंसर मिलेगा 7350 रुपीस, ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल कॉस्ट टू मेक पाथ, ओके, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट टू मेक पाथ, ओके, टू मेक अ पाथ। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, हमें यहां पर
यहाँ पर एक पाथ बनाना है ओके, इसके अराउंड ओके, फिर उसको इसकी कॉस्ट कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है ओके। जो पाथ बनाना है उसका पर मीटर का कॉस्ट हमें दिया है 70 पर मीटर, तो हमें यह टोटल लेंथ फाइंड करनी होगी। तो इस पाथ की लेंथ कितनी होगी ओके, इस पाथ की लेंथ इक्वल हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल की हो जाएगी ओके। तो देखो हमने सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड की इस इक्विलेटर ट्राइंगल की, तो हमें क्या मिला 105 मीटर ओके। तो इसकी पेरीमीटर इक्वल हो जाएगी लेंथ ऑफ पाथ, तो ओके देखो यहाँ पर मैंने कहा लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू 105 मीटर हो जाएगा ओके। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये मिल गया हमें लेंथ ऑफ पाथ हो गया ओके। ये हो जाएगा इसके अराउंड जो पाथ बनाना है उसकी लेंथ हो गई ओके। देखो पर मीटर दिया है 70 रुपीज, तो हमारे पास इतना पाथ है ओके, इतना मीटर पाथ है 105 मीटर, तो उसका कितना कॉस्ट होगा हमें फाइंड करना है ओके। फिर इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर यहाँ पर हमें यह मिला 105 मल्टीप्लाई विथ 70, तो उसका आंसर हमें मिला 7,350 रुपीज ओके। तो यह हो जाएगा टोटल कॉस्ट टू मेक अ पाथ ओके। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपको होमवर्क में करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है ओके सिमिलर। इसमें देखो क्या करना है, अ कारपेट 6 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 40 सेंटीमीटर ब्रॉड इज बाउंडेड बाय टेप अराउंड द एजिस। तो इसमें क्या दिया है, कारपेट दिया है ओके, इसकी लेंथ दी है लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स इसकी लेंथ हो जाएगी 6 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, एंड 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर ब्रॉड दिया है, यानी ब्रेथ क्या हो जाएगी 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर ओके। तो ये क्या हो जाएगा, कारपेट कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा ओके, इस बाउंडेड बाय टेप ओके, टेप से हम इसको बाउंड कर रहे हैं अराउंड द एजिस। फिर हमें क्या फाइंड करना है आगे, देखो हाउ मच टेप इज नीडेड ओके, तो कितनी टेप हमें चाहिए वो फाइंड करना है आपको, ये आपको होमवर्क में करना होगा ओके। एंड नेक्स्ट है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड टेप, आपको जो टेप का कॉस्ट भी आपको फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट आपको दिया है इफ द कॉस्ट ऑफ द टेप इज ₹3 पर मीटर, देखो यहाँ पर आपको कॉस्ट दिया है, टेप का कॉस्ट दिया है पर मीटर का ओके। तो बिल्कुल जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था वैसा ही आपको यहाँ पर करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ट्राइंगल था, यहाँ पर हमारे पास होगा रेक्टेंगल ओके, जिसकी लेंथ हो जाएगी 6 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो जाएगी 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर ओके। तो ये जो है इस, ये जो आपको होमवर्क में करना है ओके, इससे आगे